मेज़ा मी सवा। सो माई फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर काफी छोटे छोटे वर्ड्स सीखे हैं। अब वो टाइम आ गया कि उन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को हम लोगों ने कंबाइन करके कैसे बोलना है। अब आप देखो स्क्रीन के ऊपर दो वर्ड्स लिखे हैं, वो कौन से हैं? फादर, और दूसरा वर्ड क्या है? मदर। अब मैं कहना चाहती हूं पिता और माँ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर एंड मदर। अब आप देखो मैंने क्या किया है, ये जो दो वर्ड्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए उसके बीच में एक वर्ड ऐड किया है, वो वर्ड क्या है? एंड। और इस एंड को हम लोग फ्रेंच में क्या बोलेंगे? ए। ए, प्लीज इसको एट नहीं बोलना, ये एट नहीं है, ये क्या है? ए। अब हम ऐसा करते हैं, ये सेम एग्जांपल को हम लोग यूज करेंगे फ्रेंच के अंदर, कौन सी? फादर और मदर वाली। देखिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि फादर की फ्रेंच क्या है? पैर। और मदर की फ्रेंच क्या है? मैं। अब मैंने बोलना है फादर एंड मदर, तो इन दोनों के बीच में एक वर्ड आ जाएगा, वो वर्ड क्या है? ए। तो अब क्या बन गया? पैर ए मैक, विच मीन्स फादर एंड मदर। नेक्स्ट मुझे कहना है कि श्याम और राम, तो फ्रेंच में क्या बोलेंगे? श्याम ए राम। अब मैं आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपनी क्लास में फ्रेंच पढ़ा रही थी, तो वहां पे मैं यही टॉपिक पढ़ा रही थी, तो मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि मैम चलो ए एंड का मतलब तो पता चल गया कि ए है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो शाम है इसकी फ्रेंच क्या है। तो सच्ची बताऊं, ये बात सुन के मुझे इतनी हंसी आई और मेरी सारी क्लास जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। तो पता चल गया कि फ्रेंच में ये जो नेम है या किसी कंट्री का नाम है या किसी शहर का नाम है, तकरीबन सेम ही रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। ओके, हाँ कुछ एक्सेप्शंस तो हैं, बट मैं वो आपको बताऊंगी अपनी कुछ फ्यूचर की वीडियोस में। लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स। काफे ए बिस्कुई। पैख ए मैख। गार्सन ए फिल। पिति देजने ए देजने। काये ए स्टीलो। खै ए सख। ग्रां पैर ए ग्रां मैर। वेलो ए वोइट्यूर। सियल ए ओसियो। डोसा ए इडली। ओ, अब ये डोसा और इडली का वर्ड सुन के मुझे पता है आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि ये जो डोसा है और इडली है इसकी फ्रेंच क्या है। अब मैं आप लोगों को कुछ इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में बताती हूँ, जैसे कि समोसा, कचोरी, ढोकला, डोसा वगैरह वगैरह। तो ये जो फूड्स है ना, एक्चुअल में इनका कोई भी फ्रेंच या इंग्लिश ओके या जर्मन लैंग्वेज कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इन फालतू चीजों में अपना दिमाग मत खराब कीजिए, बस कंसंट्रेट करके फ्रेंच को सीखिए। तो फिर भी अगर कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे, ओके आपसे पूछे कि तुम्हें तो फ्रेंच आती है ना, चलो मुझे बताओ पानी पूरी की फ्रेंच क्या है, डोसे की फ्रेंच क्या है, तो आप एक काम करना, उसको बोलना नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें इसकी फ्रेंच तो बताऊंगा। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ पिज्जा, बर्गर, पास्ता इसकी हिंदी क्या है? वो अपने आप चुप कर जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ सम मोर एग्जांपल्स विद आ एंड यून।
un garçon et une fille. Un professeur et un étudiant. Un bus et un train. Une chemise et un jean. Un stylo et un papier. अब कुछ और एग्जांपल्स देखिए दे के साथ. Des professeurs et des étudiants. Des garçons et des filles. Des parents et des enfants. Des pays et des capitales. Des chaises et des tables. Ok guys, अब हमने कुछ और sentences नीचे description box में दे दिए हैं. Please उनको जाके practice कीजिए. Ok guys, अगर आपको ये हमारा video पसंद आया तो आपको क्या करना चाहिए? Like, share, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब. ओके? और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अभियंतो.